हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहेगा। रिकॉर्ड बनेगा इनकम टैक्स नोटिसेस में। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा नोटिसेस भेजने वाला है या भेज चुका है इवन एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स। इस साल इतने नोटिसेस आ रहे हैं डिफेक्टिव के, अभी तक के सबसे ज़्यादा नोटिसेस आए हैं। अब एक और अपडेट आया है जहाँ पर आईटीआर को प्रोसेस करते वक्त ये नोटिस भेजे जा रहे हैं कि अगर 87A में किसी ने कैपिटल गेन में रिबेट ली है तो अब उसको रिवर्स करके डिमांड बना के नोटिस भेजा जा रहा है। और ऐसे ना जाने कितने नोटिसेस आ रहे हैं इस साल। तो इन नटशेल, इन समरी, हम सारे नोटिसेस को आज कवर करेंगे इस वीडियो में, स्पेशली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत हेल्प करने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर है, इवन आई वुड से ज़्यादा दूर है। 50,000 का टारगेट था बिफोर 31 दिसंबर 2024। अभी हम लोग 38 के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। आई विश 12,000 सब्सक्राइबर की जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग कवर कर रहे हैं ए टू जी सारे तरीके के नोटिसेस जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलते हैं। लिखते चलिए। सबसे पहला नोटिस है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का। आई होप आप सभी को पता होगा जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, ये नोटिस होता है एक तरीके का इंटीमेशन। जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपके आईटीआर प्रोसेस होती है, तो आपके एसएससी के पास ये जाता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जहां पर ये बताया जाता है कि आपकी आईटीआर या तो एग्जैक्टली मैच है, आपकी टैक्स कैलकुलेशन एग्जैक्टली मैच है, या फिर कुछ वेरिएशन है, तो उसको डिपार्टमेंट आपको बताता है, नोटिस भेजता है, आपको पे करना होता है अगर कोई वेरिएशन आता है तो, या फिर उस पर कोई एक्शन लेना होता है। तो अब बात आती है कि ये नोटिस डिपार्टमेंट भेजता कब तक है। तो जैसे ही आपके आईटीआर आप फाइल करते हैं, प्रोसेस होती है, तभी डिपार्टमेंट इस नोटिस को इशू करता है। नेक्स्ट, आप इसका रिप्लाई कितने दिन में कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको 30 डेज का टाइम देता है इसको रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट नोटिस आता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का, जो कि मेरे लोगों को पता होगा वो होता है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस। आपने आईटीआर फाइल करी, गलत फॉर्म पिक कर लिया, डिफेक्टिव हो जाएगी आपकी आईटीआर, या फिर आपने कुछ इनकम को कंसिडर नहीं किया तो भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। सो डिफेक्टिव के केस में सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का नोटिस इशू किया जाता है। एंड इस साल वो सबसे ज़्यादा इशू हुए हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के नोटिसेस। एंड आपको टाइम कितना मिलता है इसको रिप्लाई करने का, आपको टाइम मिलता है 15 डेज का। नेक्स्ट, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते, आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, आपको दोबारा एक फ्रेश रिटर्न फाइल करनी होती है विद लेट फीस। एंड डिपार्टमेंट ये भेज कब तक सकता है। सो दिस नोटिस कैन बी इशूड विद इन द 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर वॉज फाइल्ड। तो एक तरीके से आपको 9 मंथ्स का टाइम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर मिल रहा है जहाँ पे आपने आईटीआर फाइल करी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस। ये नोटिस होता है जहाँ पर असेसमेंट शुरू करने से पहले एक मौका दिया जाता है आपको। मौका इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आपसे एओ आईटीआर फाइल करने के लिए बोलता है। सो अगर आपको सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस मिला है तो इट मींस असेसमेंट से पहले आपसे आईटीआर फाइल करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप इसका यूज़ करके आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। रीज़न मेजरली कुछ इस तरीके से होते हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट को ऐसा डाटा मिलता है जहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप पे आपकी इनकम थी और आपने टैक्स नहीं पे किया। आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी, ना ही आपने आईटीआर फाइल करी, ना ही आपने टैक्स पे करा। एंड आपको इसका रिप्लाई कब तक करना है। जैसे ही आपको नोटिस मिलेगा उसमें मेंशन होगा आपको कितने दिन में रिप्लाई करना है, जो कि होता है 15 डेज का टाइम पीरियड। नेक्स्ट नोटिस है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, जहाँ पर ये बोला जाता है कि अब तो स्क्रूटनी लग गई। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 भेजने का रीज़न क्या होता है, क्यों भेजा जाता है। या तो एसएससी ने गलत डिडक्शंस क्लेम कर ली,
जो कि मेजरली हो भी रहा है। अब सैलरीड एम्प्लॉय गलत एचआरए, फेक एचआरए क्लेम कर लेते हैं, फेक एटीसी क्लेम कर लेते हैं, उस केस में सीधा स्क्रूटनी लग जाती है। तो इसलिए बेटर है ये सब ना करें और इन चीज़ों से बचें। कितना टाइम दिया जाता है इसका रिप्लाई करने के लिए? यूजली 15 डेज का टाइम आपको मिलेगा इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट नोटिस से पहले एक छोटा सा मन की बात का सेशन कर लेते हैं। वेल, मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ। मेट्रो सिटी की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो आई डोंट लाइक मेट्रो सिटीज इन्वायरमेंट एट ऑल। अब यहाँ पे होता क्या है, एक बहुत फास्ट लाइफ है। आप में से काफ़ी लोग मेट्रो सिटीज़ में रह रहे होंगे, उन्हें पता होगा बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, पॉल्यूशन बहुत है। सो मेजरली हम जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों को पहाड़ बहुत पसंद होते हैं। आई नो पहाड़ पे रहने वाले लोग ये कहते हैं कि क्यों हमारे पहाड़ पे आके पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बट यस, हम लोगों के लिए पहाड़ एक बहुत बड़ा सहारा है अपने एक अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल को ठीक करने का, या एक काम में एक अच्छी जगह पे जाके थोड़ा रिलैक्स करने का। तो मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ पहाड़ वाली जगह पे। बट नाउ मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि कुछ अगर आप ऐसी मुझे जगह सजेस्ट कर पाए जहाँ पे आप लोग रहते हो, जहाँ पे नेचर ब्यूटी भी हो, जहाँ पे पीस भी हो, जहाँ पे कामनेस भी हो और जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। शिमला, नैनीताल, ये लोग ये जगह बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड हो चुकी हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी जगह जानते हैं ना, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। एंड इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप डीएम करके एंड मुझे प्लीज़ वीडियो भेजिए अपने पहाड़ों की, अपनी लोकेशंस की। मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ देखना, नेचर ब्यूटीज़ को देखना। तो प्लीज़ वीडियो जरूर शेयर करिएगा एंड प्लीज़ मुझे जगह बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पे आप भी रह रहे हैं, जहाँ पे एक शांति वाला माहौल है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 148। ये असेसिंग ऑफिसर आपको जब भेजता है, जब असेसिंग ऑफिसर चाहता है आपकी इनकम की री असेसमेंट करना, तो सबसे पहले आपको 148 ए सबसेक्शन बी भेजा जाता है, जहां पर आपको बोला जाता है कि आप बताएं कि आपके इनकम टैक्स की री असेसमेंट क्यों ना की जाए। यूजली इसके रिप्लाई के लिए 30 डेज का टाइम मिलता है। नेक्स्ट नोटिस आता है सेक्शन 245। कॉमन नोटिस है, बहुत लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। सेक्शन 245 के अंदर अगर आपका कोई रिफंड बन रहा होता है तो उसे आपकी प्रीवियस डिमांड से एडजस्ट करने का नोटिस आपको दिया जाता है, जहाँ पर आपसे बोला जाता है कि बताएं ऐसा क्यों ना करें। अगेन इसमें आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है और डिपार्टमेंट के एंड से डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 245 कभी भी भेज सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट एक ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 154। ये होता है जब पहले एओ ने कोई ऑर्डर पास किया और जो कि गलती से कुछ उसके अंदर मिस्टेक या क्लरिकल एरर होता है, तो उसको रेक्टिफाई करके नया ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट अदर सेक्शन में आता है सेक्शन 263, जहां पर सीआईटी अपील को लगता है कि एओ ने गलत ऑर्डर पास किया है, देन सीआईटी अपील नोटिस भेजता है अंडर सेक्शन 263 और उस ऑर्डर को ठीक करने के लिए बोलता है एओ को। सो ये थे कुछ नोटिस जो कि आपको आ सकते हैं अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, तो इसलिए ध्यान रखिए सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत जरूरी है अपना आईटीआर सही से फाइल करना। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। एंड चाहे तो आप मुझे मेरे को डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं, वेबसाइट है CA नेहा गुप्ता .com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।